कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र जरिया कोरोना वैक्सीन है। यही वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों को लगवाएं, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ये वैक्सीन जल्द लोगों को लगा पाएं, इसके लिए सोलन जिला में करीब 20 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा केंद्र राधा स्वामी सत्संग भवन है। इस केंद्र में जो नागरिक वैक्सीन लगवाने के लिए आता है, वो यहाँ के प्रबंधन का देखकर बेहद खुशी महसूस करता है। इस केंद्र में वैक्सीन लगवाने आ रहे नागरिकों का वीआईपी मेहमानों की तरह व्यवहार देखने को मिल रहा है। कोरोना वैक्सीन लगाने आए नागरिकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के लिए राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंचे हैं। यहां कोविड के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यही वजह है कि यहां कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो सेवादार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे बेहद मृदुभाषी हैं और किसी भी तरह की असुविधा यहाँ नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में किसी भी व्यक्ति को अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ जो व्यक्ति वैक्सीन लगाने आता है, वे बेहद आनंदित अनुभूति प्राप्त करता है। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मेरी फर्स्ट डोज है। बिहेव यहाँ पे लोगों का बहुत ही बढ़िया है और अरेंजमेंट बहुत शानदार किया गया है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, जरूर आए। यहाँ पे मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने प्रोग्राम चलाया हुआ है और मतलब लोग भी काफ़ी हम्बल हैं, हॉस्पिटलिटी भी काफ़ी सही है यहाँ पे। और मैं डोज का कुछ पता भी नहीं चला जब लगाई ना। मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और वैक्सीन ज़रूर करवाएँ। प्रबंध बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है, बहुत ही हम्बल लोग हैं ये, मतलब पूरा प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। और जो डिस्टेंस का जो 2 गज दूरी है, वो बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई है इन लोगों ने ना। प्रबंध तो बहुत अच्छा था, एवरीथिंग इज प्लान। हमें तो पता भी नहीं चला कि मतलब इतनी जल्दी वैक्सीनेशन लग गई। हर स्टेप बाय स्टेप बनाए इन्होंने यहाँ पे, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और इमिडिएटली हमें लग गई। ये बोलेंगे कि इनका थैंक्स ही बोल सकते हैं अभी। बिहेवियर वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रीट करा, इमिडिएटली काम करवाया, कोई वेटिंग में नहीं था, मतलब कोई हर्डल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, इमिडिएटली काम हुआ है। प्रबंध बहुत बढ़िया है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और अभी तो फर्स्ट वो है डोज है, बाकी ठीक है, सब बढ़िया है।